हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए दो कलर में कितना सुंदर सा ये तोरण का डिज़ाइन लेके आई हूँ, येलो और रेड में। आप अपने किसी भी पसंद के कलर में इसे बना सकते हो। ये मैंने 3-ply ऊन से बना रखा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये जो तोरण पट्टी है, मैंने ये वीडियो बहुत पहले अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से इस तोरण पट्टी को सीख सकते हैं कि कैसे बनाना है। बहुत इजी है इसे बनाना और बहुत कम टाइम में ये तोरण पट्टी बन भी जाएगा। तो चलिए अब हम इसके नीचे का पार्ट बनाना सीखते हैं इस वीडियो में। आप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के वहां से पट्टी बना सकते हैं। यहाँ पे इसको बांध लेंगे, एक को छोड़ के बांध दिया। अब इसके बाद चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे और सेम जगह से डबल क्रॉस ये बनाएंगे। चैन वाली को मिला के दो हो गए, तीन चार, चार बना लिया डबल क्रॉस ये। इसके बाद एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे और फिर एक लाइन छोड़ के दूसरे वाले लाइन में फिर से चार डबल क्रॉस ये बनाएंगे। एक दो तीन चार, चार इसमें भी बना लिया। फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाया। फिर एक छोड़ के यहाँ पे एक लाइन छोड़ के दूसरे वाले लाइन में फिर से चार डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार बना लिया। फिर तीन चैन बनाएंगे, ऐसे करके पूरा लाइन बनाएंगे। पूरा लाइन बना लिया ये, चार डबल क्रॉस ये और तीन चैन। अब इसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट में भी एक लाइन छूटा हुआ है। अब इसके बाद एक चैन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे और यहाँ डबल क्रॉस ये के बीच से एक सिंगल क्रॉस ये बनाएंगे, बना लिया। फिर चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाया। अब सेम जगह से एक और डबल क्रॉस ये बनाएंगे, दो हो गए यहाँ पे। अब इसके नेक्स्ट वाले डबल क्रॉस ये के बीच से फिर दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो, दो बना लिया। फिर इसके नेक्स्ट वाले से दो बनाएंगे, एक दो बना लिया। अब ये बचा नहीं कोई यहाँ पे, तो फिर दो चैन बनाएंगे और फिर अब इन चार डबल क्रॉसिया के बीच से फिर दो दो डबल क्रॉसिया बनाएंगे। टोटल 6 डबल क्रॉसिया बनेंगे इसमें, क्योंकि तीन बार में हो रहा है ये। एक दो, एक में दो बना, फिर इसके नेक्स्ट वाले में दो बनेगा, एक दो, दो बन गया। फिर इसके नेक्स्ट वाले में दो बनेगा, इसमें भी 6 बन गया। फिर दो चैन और फिर यहाँ पे फिर दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो, दो बनाया एक में। फिर इसके नेक्स्ट वाले में दो बनाएंगे, एक दो। फिर इसके नेक्स्ट वाले में दो बनाएंगे, एक दो, बना लिया। और फिर दो चैन बनाएंगे, ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को बनाएंगे। बना के दिखाती हूँ, बना लिया पूरा लाइन ये। अब इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, एक चैन बना के, एक चैन बनाए, इसको टर्न किया, फिर यहाँ पे जो ये हमारा तोरण जब सीधे साइड में आ गया है, ये उल्टा साइड है इसका और ये इसका सीधा साइड है। अब यहाँ पे फिर डबल क्रॉसिया के बीच से एक सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाया। फिर सेम जगह से एक और डबल क्रॉस ये बनाएंगे,
बना लिया। अब इसके नेक्स्ट वाले में फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो बना लिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले में दो बनाएंगे। इस लाइन में हमें एक में दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक बनाना है, फिर एक चैन बनाएंगे और दोनों को यहाँ में मिला के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर इसके नेक्स्ट वाले में फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इन दोनों नीचे वाले लाइनों को मिला के फिर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। बना लिया। ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को बनाना है, बहुत इजी है इसे बनाना। पूरा लाइन बना के दिखाती हूँ। पूरा लाइन बना लिया ये। अब हमें इसमें सीधे के साइड से ही फिर से येलो कलर का ही धागा को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे इसे ज्वाइंट कहाँ करना है, जो हमने ये फ्लावर बनाए हैं इसके ठीक बीच में इस धागे को ज्वाइंट करेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लिया। अब इसके बाद चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इसमें टोटल 12 चैन बनाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट वाला ये फ्लावर है उसके बीच में, यहाँ पे इसके ठीक बीच में हमें इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देना है। कर दिया ज्वाइंट। अब इसके बाद फिर से हम 12 चैन बनाएंगे, बना लिया 12 चैन। फिर इसके नेक्स्ट वाले फ्लावर में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। कर लिया ज्वाइंट। फिर 12 चैन बनाएंगे, ऐसे ही करके पूरा लाइन बनाएंगे। देखिए पूरा लाइन बना लिया मैंने 12-12 चैन करके। अब इसको टर्न करने के लिए पहले एक चैन बनाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस वाले धागे से अटैच करके। दो तीन चार पाँच छ सात, सात सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये बीच में आ जाएगा धागा। और फिर यहाँ पे 12 चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 चैन बना लिया। फिर इसके नेक्स्ट वाले में अब बीच से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर 12 चैन बनाएंगे, बना लिया 12 चैन। फिर इसके नेक्स्ट वाले में फिर से बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को बनाएंगे। और जब ये पूरा लाइन बन जाएगा तो हम सेम ऐसे ही, हमें जितना भी लॉन्ग तोरण चाहिए उस हिसाब से हम इसको उतना लाइन ऐसे ही सेम बना लेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा राउंड और बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा एक एक ये कम होते जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे लाइन बढ़ता जाएगा। तो मैं पूरा बना के दिखाती हूँ मुझे जितना बड़ा चाहिए। देखिए मैंने ये इतना बड़ा बना लिया और नीचे का मैंने थोड़ा सा झालर भी बना लिया है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस झालर को कैसे बनाया है, बहुत इजी है इसे भी बनाना। एक दो तीन चार पाँच, पांच लाइन बनाया है और छठे वाले लाइन में ये जो झालर है वो बनाया है। झालर मैंने यहाँ से शुरू किया है और लास्ट में यहाँ पे मैंने दो छोड़ रखा है। यहाँ पे आपको बताऊंगी कि इस झालर को कैसे बनाना है, बहुत इजी है इसे भी बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 6 चैन बना रखा है, एक दो तीन चार पाँच छ, 6 चैन बनाया। फिर एक और चैन बनाएंगे और इस चैन से हम धागे को लंबा करके पफ बनाएंगे। एक धागे को क्रॉसिंग में हम जितना मोटा चाहिए या पतला चाहिए उस हिसाब से धागे को हम यहाँ पे
क्रोशिया में लपेट लेंगे। मैंने यहाँ पे टोटल 6 बार लिया है। और इसको एक साथ बना लिया, फिर 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बना के और यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे जहाँ से हमने ये पफ बनाना शुरू किया था, बना लिया। फिर 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चैन बनाया। अब फिर इसके नेक्स्ट वाले में यहाँ पे बीच से इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। कर लिया ज्वाइन, अब फिर 6 चैन बनाएंगे, बना लिया 6 चैन। 6 चैन बनाने के बाद एक चैन और बनाएंगे और यहाँ से पफ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 6 बार धागे को क्रोशिया में लिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार बना लिया। अब इन सबको एक साथ बना लेंगे। बना लिया, अब फिर 4 चैन बनाएंगे और इसको जहाँ से हमने पफ बनाना शुरू किया था वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चैन बनाया। और फिर यहाँ पे जो ये लास्ट वाला है यहाँ पे भी इसके बीच से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागा बांध के और जो भी एक्स्ट्रा धागा होगा उसे कट कर लेंगे। हमारा तोरण पूरा कंप्लीट है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये तोरण और कितना इजी भी था इसे बनाना, और बनाने में भी इसे बहुत कम टाइम लगेगा। ये लगभग टोटल 1 घंटे में तोरण का पट्टी बन जाएगा और 1 से 1.5 घंटे में इसके नीचे का पार्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये तोरण बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।